वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं आपके समक्ष। देखिए, बहुसांस्कृतिक कक्षा, बहुभाषी कक्षा और समावेशी कक्षा, ये तीनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षा में ना हो ऐसा असंभव है, राइट? तो अगर पिछले वर्ष के पेपर्स को आप देखिए तो ये वो टॉपिक कवर किया जा रहा है जो आपको नंबर दिलाएगा, मार्क्स दिलाएगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि 3 से 4 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट को समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। देखो यार, सबसे पहले तो जब बालक अपने घर परिवेश से विद्यालय की ओर बढ़ता है, लगभग 6 वर्ष की अवस्था में बालक के पास चारों कौशलों का आंशिक ज्ञान होता है। यानी बालक के पास ये चारों कौशलों का जो आंशिक ज्ञान होता है, वही उसकी एक प्रकार से भाषाई पूंजी होती है और इसी भाषाई पूंजी का प्रयोग अध्यापक संसाधन के रूप में करता है और बालक को धीरे धीरे क्रमशः उसकी भाषा का विकास करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिवेश अलग अलग हो जाते हैं, बहुभाषी कक्षा, बहुसांस्कृतिक कक्षा, समावेशी कक्षा, ऐसी स्थितियों में अध्यापक को बालक की क्षमता योग्यता के अनुसार उसे उसकी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए, उसकी भाषा का आकलन करना चाहिए, उसकी संस्कृति का आकलन करना चाहिए और बिना ठेस पहुंचाए हुए उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए, भले ही ये प्रारंभ में चुनौतीपूर्ण होता है लेकिन तमाम विधियों का, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए अध्यापक बालक को भाषाई ज्ञान समृद्ध करने में सफल हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके समझ। सबसे पहले बहुभाषी कक्षा। बहुभाषी कक्षा की बात किया जाए तो ऐसी कक्षा जहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले छात्र हों, भाई बहुभाषी माने बहु माने बहुत सारी भाषा, तो अलग अलग भाषा का, कई भाषाओं का प्रयोग करने वाले छात्र हों। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप सबके लिए परिश्रम कोशिश की जा रही है, कॉन्सेप्ट बहुत ही, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा एक बार, पूरा कंप्लीट शो कर दीजिए एक बार पूरा, ताकि जो है स्क्रीनशॉट ले सकें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है समावेशी कक्षा, भाषा की कक्षा, मतलब एक एक पॉइंट टू द पॉइंट लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए, प्रत्येक छात्र के भाषा को सम्मान देना चाहिए। देखिए, बहुभाषी कक्षा में इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रत्येक छात्र के भाषा को पूर्ण सम्मान, बच्चे को ये हीन भावना न लगे कि मेरी भाषा का कम ध्यान दे रहे हैं या कम प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से बहुभाषी कक्षा में अध्यापक को और भी सचेत होना चाहिए, किसी भी बालक को ये न लगे कि उसके अंदर हीन भावना, ह्यूमिलिएट टाइप का वो हो जाए कि मेरी भाषा का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, वो समझ में ही नहीं पा रहा है। भाई, अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे किसी भाषा का तो ऐसे बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे कमज़ोर कर रहे हैं, आप उसके भाषाई विकास का समृद्ध करने में असफल हो रहे हैं। तो प्रत्येक बालक के भाषा का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। यानी कैसे समायोजन बनाना है, किन विधियों का प्रयोग करना है, बराबर के औसत के रूप में सभी के भाषा का कैसे प्रयोग करना है, तो इसमें अध्यापक को कुशल होना चाहिए। बच्चे को उसकी मातृभाषा में कहानी, कविता आदि कहने के अवसर देंगे, तो बहुभाषी कक्षा में ये ध्यान रखिएगा, बच्चे को वो अपनी, उसकी जो अपनी मातृभाषा है, कहानी, कविता, जो भी लिखना है उसे अपनी भाषा में लिखने के, बोलने के पूर्ण अवसर प्रदान करेंगे आप। देखिए, अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देखिए अभी यह एक संसाधन है लेकिन प्रारंभ में शिक्षक के लिए क्या होती है? चुनौतीपूर्ण होती है। यह एक संसाधन है लेकिन प्रारंभ में अध्यापक के लिए क्या होती है? चुनौतीपूर्ण होती है, प्रारंभ में होती है लेकिन बाद में इसी बहुभाषी कक्षा को अध्यापक संसाधन के रूप में, एक हथियार के रूप में प्रयोग करने लगता है। चलिए देखिए, बच्चों की तीव्र जिज्ञासा, देखिए बच्चों में जिज्ञासा होती है
हाँ, बुजुर्गों से अधिक जिज्ञासा, एडल्ट से अधिक जिज्ञासा बच्चों में होती है, और ये वो हथियार बनता है, उन्हें एक दूसरे की भाषा सीखने का अवसर देता है। इस प्रकार शिक्षक इसे संसाधन के रूप में प्रयोग कर लेता है, कि जो उनके अंदर इंटरेस्ट होता है भाषाओं को सीखने का, ललक होता है, तो ये बच्चों की तीव्र जिज्ञासा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देना चाहिए। बहुभाषिकता एक समाधान है, इसमें हम किसी मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार कर पाते हैं। देखिए, अलग अलग दृष्टिकोण से, यानी भाई कई भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, और ऐसे समाधान तक पहुंचने का प्रयास कर पाते हैं जो अन्य लोगों के प्रति भी समान रूप से संवेदनशील हो, यानी सभी की भाषा का सम्मान करें, सभी के भाषा के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। ये इस समाधान के रूप में, एक संसाधन के रूप में, समाधान के रूप में, इसको मतलब बहुत कठिनाई के तौर पे नहीं लेना चाहिए, एक समाधान के रूप में सहजता से लेना चाहिए। कच्छी वातावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, कच्छी वातावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर बहुभाषिकता से ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या कोई दिक्कत होगी, ऐसा नहीं कह सकते आप। बहुभाषिकता से क्या होता है, कच्छी जो वातावरण होता है वो अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता है। पहली बात, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज होती है जो प्रतिकूल होता है, देखिए, शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव, तो यहाँ पे शुरू में प्रतिकूल या बाधक होती है। शिक्षक के शिक्षण प्रक्रिया में प्रभाव, याद रखिएगा, शुरू में, प्रारंभ में प्रतिकूल होता है या बाधक होता है, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, संसाधन के रूप में प्रयोग कर लेता है, संसाधन के रूप में प्रयोग कर लेता है। यस, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों के रीत रिवाज, आदतों आदि को सुरक्षित रखना एक चुनौती होती है, एक चुनौती। बिल्कुल, बहुसांस्कृतिक, कई संस्कृतियों के बालक कक्षा में आए हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है एक चुनौती हो जाता है उनकी रीति रिवाज और उनकी आदतों को सुरक्षित रखना। बच्चे कक्षा में अपनी संस्कृति को पृष्ठभूमि में लेकर प्रवेश लेते हैं, इसलिए विभिन्न आयोजनों, कार्यक्रमों द्वारा सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, ताकि बच्चों में रुचि पैदा हो सके। बहुसांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके छात्रों को अन्य संस्कृतियों के विषय में भी जागरूक करना चाहिए। यस, एक दूसरे के संस्कृति को जान सके, ऐसा अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, उन्हें ऐसा अवसर, मौके देना चाहिए। छात्रों की संस्कृति के संदर्भ में अध्यापक को स्वयं रुचि लेना चाहिए, इससे छात्र भी रुचि लेंगे। हाँ, ये नहीं कि किसी छात्र की संस्कृति को लेकर आप रुचि ले रहे हैं और किसी छात्र की संस्कृति को लेकर आप रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उस बालक में हीन भावना आएगा और ये एक शिक्षक के लिए एक कलंकित करने वाली बात होगी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, और उसमें भरपूर रुचि लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। अध्यापक जब इंजॉय करेगा तो अन्य बालक भी स्वतः इंजॉय करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, आगे चल के प्रैक्टिसेस के माध्यम से इन पे ट्यूशन भी लाएंगे, तब आपको और भी आनंद आएगा, और भी आनंद आएगा। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिसेस के माध्यम से जब इनके प्रैक्टिसेस आप पाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, और डिसाइड करने में कैसे विकल्पों को का चयन करें ये आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, समावेशी कक्षा में, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिया गया है। समावेशी कक्षा में देखिए क्या, कौन कौन आते हैं, मंद बुद्धि बालक, अल्प बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली, सृजनशील, औसत बालक, उच्च बालक, निम्न बालक, सशिक्षा, मतलब बालक बालिका, सभी इसमें आ जाएंगे समावेशी कक्षा में, ये सब आ जाएंगे। कौन नहीं आएंगे समावेशी कक्षा में, तो सुनिएगा, कौन नहीं आएंगे, पूर्ण रूप से अंधे, पूर्ण रूप से बहरे, है ना, पूर्ण रूप से अंधे, अगर कोई पूर्ण रूप से अंधा है तो कोई मतलब नहीं है फिर, तब उसके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन होता है, विशेष शिक्षा का आयोजन होता है। इसी तरह से पूर्ण रूप से बहरा है, पूर्ण रूप से गूंगा है, तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप से गूंगा, पूर्ण रूप से बहरा और पूर्ण रूप से अंधा,
ये तीनों समावेशी कक्षा में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे और कौन नहीं आएंगे ये भी हमने आपको एकदम स्पष्ट कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। चलिए अब देखिए, सामान्य क्षमता युक्त छात्रों के साथ कम क्षमता और अधिक क्षमता के छात्रों को एक साथ भाषा का शिक्षण देना ही समावेशी कक्षा कहलाती है। देखिए क्या कहा गया, सामान्य क्षमता औसत क्षमता वाले छात्रों हो और अधिक क्षमता वाले और कम क्षमता वाले छात्र सभी को एक साथ समान एक साथ ही शिक्षा देना, किसी के अंदर हीन भावना न आए इसलिए एक साथ शिक्षा देना समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा कहलाए। उच्च क्षेत्र वाले बालक यानी जिनको अधिक ज्ञान है, औसत क्षेत्र व निम्न क्षेत्र के, दूसरे शब्दों में यही बात कही जा रही है कि छात्र एक साथ भाषा अधिगम करते हैं किसमें, समावेशी कक्षा में। देखिए शब्द कैसे भी वो परिवर्तित करके दे दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षक को अधिक से अधिक भाषा सीखनी चाहिए, स्वयं शिक्षक को भी अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना चाहिए। भाई शिक्षक में रुचि रहेगा तभी, अधिक से अधिक भाषाओं को जानता रहेगा तभी वो समावेशी कक्षा में और भी बेहतर कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा। तो सभी बच्चों को एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए, ऐसा माहौल बनाएं, रुचि का माहौल बनाएं, मोटिवेट करें ताकि एक दूसरे की भाषा को सम्मान दें और उन्हें सीखने का प्रयास करें। सभी बच्चों का समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, समान रूप से वो जो भी गतिविधियाँ अध्यापक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के माध्यम से, सहपाठ्यक्रमिक क्रियाओं के माध्यम से जो भी प्रयास अध्यापक करता है, एक कोशिश होनी चाहिए कि सभी बच्चे, ऐसा अध्यापक का प्रयास होना चाहिए कि सभी बच्चे समान रूप से गतिविधियों में शामिल हों। एकाकी परिवेश पसंद बालकों को अधिक से अधिक सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको एकांत में रहना पसंद है, तो ऐसे एकाकी परिवेश पसंद बालकों को अधिक से अधिक सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। देखने सुनने की क्षमता सामान्य से कम हो उनको समावेशी कक्षा में भाषा सिखाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखिए देखने सुनने की क्षमता अगर कम है तो उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने से सहयोग मिलेगा, हेल्प मिलेगा और बालक के अधिगम को बेहतर कर सकेंगे आप। देखिए बहरे बालकों को कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना चाहिए, जो बहरे बालक हैं, कम सुनने वाले बालक हैं, भाई पूर्ण रूप से जो बहरा है वो तो आएगा ही नहीं इसमें, लेकिन ऐसे बालक जो कम सुन पाते हैं तो बहरे बालकों को कक्षा की अग्रिम पंक्ति में बैठाना चाहिए। समावेशी कक्षा में नहीं आते कौन से नहीं आते, मैंने पहले ही बताया पूर्ण अंधे, पूर्ण बहरे, पूर्ण गूंगे, ये समावेशी कक्षा में नहीं आते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इन्हें नोट करिएगा। समावेशी कक्षा में गृह कार्य छात्र के क्षमता के तहत देना चाहिए, छात्र के क्षमता के तहत देना चाहिए, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा आप दे दो, एक्स्ट्रा बर्डन दे दो, दूसरी भाषाओं को दे दो, ये नहीं चलेगा। सशिक्षा, सशिक्षा मतलब बालक बालिका एक साथ, को एजुकेशन बोलते हैं, को बढ़ावा देना चाहिए व वंचित वर्ग को भी जोड़ना चाहिए। वंचित वर्ग को भी समावेशित कक्षा में, जो शिक्षा से वंचित हो गए हैं, जो गरीब हैं, उन सभी को समावेशी कक्षा में जोड़ने का प्रयास अध्यापक को करना चाहिए। किसी भी बालक के साथ विशेष बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी बालक के साथ विशेष बर्ताव नहीं करना चाहिए, चाहे वह विकलांग अंधा बहरा ही हो, बिल्कुल। विशेष बर्ताव करने से बालक के अंदर हीन भावना आएगी, बालक के अंदर हीन भावना आएगी कि अरे मुझे अलग अलग से बताया जा रहा है, अलग से मतलब कुछ मेरे साथ समस्या है, कुछ बात है। तो बालक के अंदर अगर उन्हें अलग से आप बताएंगे तो उनके अंदर हीन भावना आएगी, और जब हीन भावना आएगी तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोशिश की गई, एक प्रयास किया गया आप सबके लिए, आपको अच्छा लगा हो तो तमाम चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8299310097। ओके गाइस।
ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी हैं आपको, मतलब हर सुविधा उपलब्ध है। हम आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, निःशुल्क भी बहुत सारे छात्रों की हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट क्लासेस चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। ओके गाइस, ये एक कोशिश की गई। इस तरह से और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप याद रखिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके जो लाइक होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, कैसा लगा ये वीडियो, एक कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। और मित्रों को शेयर भी कर देना भाई, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हम आपको क्या चीज़ें दे रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि हम आपको क्या दे रहे हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके कमेंट मैं देखूंगा कितने स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, क्योंकि ये वो प्रयास किया गया, ये वो कोशिश की गई है। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, लेकिन जो कलेक्शन हम आपको ला के दे रहे हैं, जो प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, जो कोशिश आपकी कर रहे हैं, आपको अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ज़रूर आप इसकी कीमत समझेंगे, महत्व समझेंगे। और कम से कम 5 गरीब फ्रेंड्स की ज़रूर हेल्प करिए, कम से कम। अगर नहीं बहुत कर सकते हैं तो कम से कम 5 ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड करिए, सेंड करिए, कम से कम कुछ लोगों की तो हेल्प हो, मदद हो। यार मैं भी तो कुछ इसी उद्देश्य से हेल्प कर रहा हूँ आप सबकी। ओके, तो मैक्सिमम हेल्प हो सके, ये कोशिश है, एक प्रयास है। और तमाम स्टूडेंट्स जो गरीब हैं उनकी भी हेल्प हो सके, ऐसी कोशिश, ऐसा प्रयास मेरा जारी है। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू।